श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और राम मंदिर बनने जा रहा है। ऐसे में न केवल राम मंदिर को भव्य बनाने की कोशिश है बल्कि अयोध्या का भी कायाकल्प करने की तैयारी है। इसी के चलते अयोध्या के अन्य मंदिरों का भी रंग रोगन किया जा रहा है और उनकी साज सज्जा के लिए तरह तरह की चीजें की जा रही हैं। हाल ही में मंदिर के लिए कलश और धनुष तैयार करवाया गया है। कलश जहां राम मंदिर के पास मौजूद अमावा राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा, वहीं धनुष और बाण श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी राजू दास ने इस संबंध में जानकारी दी है। ये पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम नवबभव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय तीर धनुष पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को सौंपा जाएगा। सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा मानवता की रक्षा सुरक्षा पूरे विश्व में अमन शांति स्थापित हो दुष्टों को संघार हो इसके नाते स्वर्ण नमय धनुष और बाण पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को समर्पित की जाएगी। यहाँ जो स्वर्णमय छत्र है वो यहाँ अमावा मंदिर में स्वर्ण कलश लगने जा रहा है। वो भगवान राम की भव्य दिव्य मंदिर की खुशी में, क्योंकि राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के बीच में अमावा मंदिर है, पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी एवं उनके बेटे सैन कुणाल के उसमें, तो इसके नाते उत्साह है कि जब भगवान राम की भव्य मंदिर निर्माण हो तो ठाकुर जी से निवेदन के लिए इस शिखर पे स्वर्ण में कलश स्थापित की जाएगी। अमावा राम मंदिर के आचार्य कुणाल किशोर के बेटे शायन कुणाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राम मंदिर के बगल में हमारा अमावा राम मंदिर है। जो श्रद्धालु यहाँ से राम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, रामलला के दर्शन करने जाते हैं, उनको भव्यता में कोई कमी ना दिखे, उनको लगे कि जो अयोध्या शहर है वह स्वर्ण का शहर हुआ करता था एक ज़माने में, राम जी के ज़माने में, उसी स्वर्ण शहर को दोबारा पुनर्जीवित करने की योजना है। इसीलिए सोने का जो कलश है और सोने का धनुष बाण हम लोग चेन्नई से मंगवाए हैं। कलश लगभग 300 केजी का कलश है सोने का, जिसमें लगभग हम लोग 1 केजी सोने का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें बाहर का कवरेज जो सोने का हुआ है, और जो धनुष बाण है ये सब हम लोग चेन्नई से मंगवाए हैं। इसमें हम लोग जो MMTC जो सरकारी कंपनी है उससे सोना खरीदा है, 24 कैरेट सोना है जिसका हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं।